मूवी की स्टार्टिंग में हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया गया है, जहां पर इंसानों जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स ने इंसानों पर हमला कर दिया है और इन्हें टाइटेंस कहा गया है। और इन्होंने अब सारी दुनिया तबाह कर दी है और अब इंसानों को अपनी बनाई गई दीवारों के पीछे छुपकर रहना पड़ रहा है। और वो लोग इस उम्मीद पर वहां पर जिंदा रह रहे थे कि अगर टाइटेंस यहाँ पर आ गई तो ये दीवार उन्हें बचा लेगी। इसके बाद 100 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब लोग टाइटेंस को भूलने लगे थे और अब टाइटेंस की हिस्ट्री सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह गई थी। लेकिन फिर भी लोग उस दीवार के पार नहीं जा सकते थे क्योंकि गवर्नमेंट ने वो दीवार के पास रहने से भी मना किया हुआ है और अब लोगों को ना चाहते हुए भी इन चार दीवारों के बीच में रहना पड़ेगा और यहीं पर अब अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। दीवार के अंदर की दुनिया को 3 हिस्से में डिवाइड किया हुआ था। एरिया नंबर 3 में फार्मर्स और लेबर्स आते थे, एरिया नंबर 2 इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के लिए था और एरिया नंबर 3 प्राइमरी लोगों के लिए। और यहाँ पर किसी को भी एक एरिया छोड़कर दूसरे एरिया में जाने की इजाजत नहीं थी। एरिया नंबर 3 में रहने वाला एक लड़का जिसका नाम एरिन था, जो काफी टैलेंटेड था, लेकिन ये अपनी जिंदगी टाइटेंस से डरकर चार दीवारों के बीच में नहीं काटना चाहता था। और वो अपने फ्रेंड्स को वहां पर बताता है कि मैं इस दुनिया को इन दीवारों के पीछे एक्सप्लोर करना चाहता हूं। और वो टाइटेंस को भी नहीं मानता था, वो टाइटेंस को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मानता था और उसे लगता था कि लोग टाइटेंस से डरते हैं इसीलिए वो यहाँ पर छुपे हुए हैं। एरिन का जो फ्रेंड होता है वो भी काफी टैलेंटेड होता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी आम इंसान को कोई एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं थी क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ मानती थी कि अगर कोई इंसान अपने लिए कुछ इन्वेंट करेगा तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। एरिन का फ्रेंड जब एक दिन एरिन से मिलने जा रहा होता है तो वो एक इंसान से टकरा जाता है और वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। दूसरी तरफ हम एरिन को देखते हैं जो इस एरिया में रहकर अपने आप को सबसे ज्यादा खुशकिस्मत मानता है क्योंकि वो इस तरफ से दूसरी तरफ वाली दुनिया को भी देख सकता था और वहाँ पर एक बॉम्ब मशीन भी पड़ी हुई होती है और इसी डर से लोग वहाँ पर आते भी नहीं थे। और एरिन अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब इस दीवार के पीछे की दुनिया में जाकर ही रहेगा और अब वो इस बात पर अपने दोस्तों को भी एग्री कर लेता है। उस दीवार के पास काफी सारे सोल्जर्स का पहरा था लेकिन वो पहली बार इस दीवार के इतने करीब आ जाते हैं, लेकिन इतने में ही वो लोग पकड़े जाते हैं और आर्मी का जो लीडर होता है वो उन्हें मारने से बचा लेता है क्योंकि वो जो आर्मी का लीडर था वो एरिन को जानता था और वो ये बात भी जानता था कि एरिन काफी टैलेंटेड है। और अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहां पर अर्थक्वेक आने लगता है और जब वो लोग उस दीवार के ऊपर देखते हैं तो वो सब चौंक जाते हैं क्योंकि पहली बार इतने खौफनाक डर से उनका सामना जो हो रहा था। और वहां पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर टाइटेन था और वो उन टाइटेन से भी काफी बड़ा था और ऐसे मॉन्स्टर्स को जायंट कहते हैं और वो उस दीवार से भी काफी बड़ा होता है और वो आग का बना हुआ होता है। वो दीवार को तोड़ने की कोशिश करने लगता है, वो लोग काफी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। वो लीडर इन सोल्जर्स से कहता है कि वो बॉम्ब फेंकना शुरू कर दें, लेकिन एक सोल्जर उसे कहता है सरकार ने हमें इन बॉम्ब को फोड़ने के लिए मना किया हुआ है। इसके बाद वो जायंट उस दीवार में काफी बड़ा छेद करके और वो वहां से गायब हो जाता है और वहां पर बहुत शांति हो जाती है, लेकिन ये तूफान के आने से पहले की शांति थी। इसके तुरंत बाद वहां पर बहुत सारे टाइटेंस उस दीवार से आने लगते हैं। वो टाइटेंस दिखने में तो इंसानों की तरह थे लेकिन वो इंसानों के मुकाबले काफी बड़े थे और वहां पर इंसानों को देखकर उनके फेस पर एक ईविल स्माइल होती है जैसे वो इंसानों को खाने वाले हों। वो लीडर इन टाइटेंस पर बॉम्बिंग करने लगता है लेकिन उसे यह नहीं पता था कि ये ऐसे मॉन्स्टर हैं जो कभी मर नहीं सकते। जैसे ही बॉम्ब से उनकी बॉडी इंजर्ड होती है दोबारा से वो रिकवर हो जाते हैं और अब क्योंकि इन टाइटेंस की आबादी बहुत ज्यादा थी इसलिए ये लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अब वो टाइटेंस उन इंसानों को पकड़ पकड़ कर खाने लगते हैं और अब ये लोग यहाँ पर पूरी तरीके से तबाही मचा देते हैं और अब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। सोल्जर्स तो काफी बुरी तरीके से घबरा गए थे और अब वो उन टाइटेन से खाने के बदले सुसाइड ज्यादा प्रेफर करते थे और अब लोगों के बीच में बहुत बुरा कोहराम मच चुका था। या तो लोग टाइटेन से खाकर मर रहे थे या फिर इतनी भीड़ में कुचलकर मर जा रहे थे और अब इन लोगों को बचने के लिए सिर्फ एक ही जगह थी जो इस शहर का एक बहुत बड़ा होल था और अब लोग अपनी जान बचाने के लिए और दूसरों की जान की परवाह न करते हुए इस होल में जबरदस्ती घुसने लगते हैं और वहीं पर एरिन और उसके फ्रेंड अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा ही करते हैं। एरिन की फ्रेंड मिकासा एक बच्चे को देखती है जिसे बचाने के चक्कर में वो बाहर ही रह जाती है, लेकिन एरिन लोगों की भीड़ में घसीटता हुआ अंदर चला जाता है और अब दरवाजा बंद कर दिया जाता है। एरिन उस डोर को खोलने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसे लोग ऐसा करने नहीं देते हैं। मिकासा उस बेबी को अपने हाथों में ले हुई होती है। एरिन ये सब अंदर से देख रहा होता है लेकिन तभी मिकासा की तरफ एक टाइटेन बढ़ता है और वो उस बच्चे के साथ मिकासा को भी निगल जाता है और अचानक से वहां पर खामोशी छा जाती है।
एरिन जैसे तैसे करके उस होल से बाहर आ जाता है। एरिन बाहर आकर देखता है कि जिस होल में सर्वाइवर छुपे हुए थे उसी होल की छत पर काफी सारे टाइटेंस उस होल की छत को तोड़ रहे होते हैं, और जैसे ही वो छत तोड़ देते हैं तभी वहां पर होल से खून की नदियां बहने लगती हैं। अब इतने बुरे हालात के बाद एरिन वहां से आगे बढ़ जाता है। अब हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब एरिन एरिया 2 में आ जाता है जो इंडस्ट्री और फैक्ट्री का एरिया था। वहां की मजबूत दीवारों की वजह से वो टाइटेंस से बच गए थे और अब यहाँ पर वो भी आ गए थे जो एरिया 1 से सर्वाइवर बच गए थे। और अब क्योंकि एरिया 2 में काफी ज्यादा आबादी हो गई थी इसीलिए वहां पर खाने की किल्लत पड़ जाती है और काफी सारे लोग भूख से मरने लगते हैं। और अब उन लोगों को एरिया 3 को प्रोटेक्ट करने के लिए अब उन टाइटेंस को वहां से भगाना पड़ेगा, यानी अब उन्हें टाइटेंस से मुकाबला करके अब अपने एरिया 3 को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। टाइटेंस से लड़ने के लिए एक आर्मी ट्रेन की जाती है जो कि पिछले 2 साल से उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही थी, और अब इसमें एरिन और उसका दोस्त भी पार्टिसिपेट करते हैं। उन सोल्जर्स को एक कमांडर लीड कर रहा था जिसका नाम कुबाल था। कमांडर कुबाल एक प्लान बनाते हैं कि वो अपने मिशन के लिए रात में निकलेंगे, और वो प्लान यह था कि वो टाइटेंस जहां से आए थे उस होल को ब्लास्ट की मदद से बंद करने का था। प्लान के हिसाब से वो दीवार के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे जिससे ऊपर का मलबा नीचे आकर जुड़ जाएगा और वो होल बंद हो जाएगा, और अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो गया तो वहां पर कोई भी टाइटेंस नहीं आ सकेगा और इसके बाद वो लोग टाइटेंस को भी मार देंगे। और इस मिशन में यही एक दिशा कि या तो वो उन टाइटेंस को खत्म कर देंगे या फिर वो खुद मारे जाएंगे। वहां पर एक वेपन ट्रेनर अपने खास न्यू बनाए गए वेपन के बारे में बताती है जिसे सभी लोग उड़ सकते हैं, क्योंकि अब उन्हें टाइटेंस की कमजोरी का पता चल चुका था जो कि टाइटेंस की अगर नेक पर हम अटैक करते हैं तो टाइटेंस मारे जाएंगे। प्लान के मुताबिक वो सब लोग रात के अंधेरे में उन पर अटैक करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ गड़बड़ महसूस होती है और जब कुछ सोल्जर्स वहां पर चेक करने जाते हैं तो उन्हें वहां पर कुछ गायें मिलती हैं, तो वो सब लोग सब कुछ नॉर्मल सोचकर आगे बढ़ चलते हैं। आगे जाकर एक लेडी को वहां पर एक बच्चे की रोने की आवाज सुनती है जो सोचती है कि बच्चा मुसीबत में है, और उसे चेक करने के लिए वो लेडी अंदर जाती है और तभी उसके पीछे पीछे एरिन भी चला जाता है। जब वो लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक टाइटेन का बच्चा है, और जब वो जायंट बच्चा उन्हें देखकर उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है तो वो नीचे गिर जाता है, और गिरने की वजह से वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, और रोने की वजह से वहां पर सारे टाइटेंस जाग जाते हैं और वो टाइटेंस अब उन लोगों का पीछा करने लगते हैं और उन्हें चारों तरफ से अब घेर लेते हैं। अब ये लोग काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके थे, और दूसरी तरफ उनका कमांडर जो कि काफी सेल्फिश था वो सारे वेपन्स लेकर वहां से भाग चुका था। एरिन के फ्रेंड को एक टाइटेन पकड़ लेता है लेकिन एक दूसरा सोल्जर आकर उसे बचा लेता है, और इसके बाद अब वो लोग पूरी तरीके से टाइटेंस से घिर चुके थे, और तभी वहां पर एक टैलेंटेड टाइटेंस का शिकारी सीकी सीमा वहां पर आता है, और वहां पर वो देखते ही देखते 10 से 15 टाइटेंस को वहीं पर मार गिराता है, और उसके साथ हम लोग मिकासा को देखते हैं जो अभी तक भी जिंदा थी, और अब वो भी टाइटेंस को मारने में ट्रेन हो गई थी, और वो दोनों मिलकर काफी सारे टाइटेंस को मार गिराते हैं। और अब वो लोग काफी सारे टाइटेंस को मारने के बाद अपने टारगेट उस दीवार के होल के पास जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिकासा एरिन से बात नहीं कर रही क्योंकि उस इंसिडेंट के बाद वो अब अपना बदला लेना चाहती थी। मिकासा वहां पर बताती है कि वो टाइटेंस मुझे निकल चुका था लेकिन सीकी सीमा ने उसे बचा लिया, और सीकी सीमा ने ही उसे टाइटेंस से लड़ने का एक सीक्रेट बताया जो कि यह था कि अपने गुस्से को खुला छोड़ दो और टाइटेंस से मुकाबला करो, और वो बताता है कि इंसान का दुश्मन टाइटेंस से ज्यादा उनका डर है जो उन्हें दबने पर मजबूर करता है। और तभी वहां पर उस मिलिट्री का हेड कोबाल वहां पर आ जाता है और वो उन्हें बताता है कि जहां पर हमने अपने सीक्रेट वेपन रखे थे वो वहां पर नहीं है, और वो हमें एक अंडरग्राउंड केव में मिले, और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता था इसीलिए मुझे वहां से जाना पड़ा क्योंकि हम में से कोई तो चीटर है जो उन्हें चुरा सकता था। वो लोग वेपन्स को लोड करने लगते हैं लेकिन टाइटेंस उनकी आवाज सुन लेते हैं, और इसके बाद अचानक वो टाइटेंस 2 लोगों को खा जाते हैं, और वहां पर अब अफरा तफरी मच जाती है। लेकिन उस लालची लीडर को वहां पर एक्सप्लोजिव की चिंता हो रही थी, और वहां पर कोई चोर उनकी एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी को चुरा कर ले जाता है। और अब वहां पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसने पिछले 2 साल पहले टाइटेंस अटैक में अपना पति खो दिया था, और अब वो उसकी मौत का बदला लेना चाहती थी, और वो इसी वजह से उस चोर से वो गाड़ी छीन लेती है और वो उस गाड़ी को उन टाइटेंस के बीच में लाकर ब्लास्ट कर देती है। लेकिन इतने भारी भरकम ब्लास्ट से भी उन टाइटेंस को कुछ भी नहीं होता और उनकी आखिरी उम्मीद वो एक्सप्लोजिव्स भी वेस्ट हो चुके थे, और उस मिलिट्री का कैप्टन कोबाल भी उन्हें छोड़कर वहां से चला जाता है, और अब वो लोग टाइटेंस के बीच में बुरी तरह से फंस चुके थे। एरिन भी अब अपनी हिम्मत हार चुका था लेकिन तभी उसे सीकी सीमा की बात याद आती है, और वो ऐसा ही करता है, वो अपने गुस्से को खुला छोड़कर उन टाइटेंस से जाकर भिड़ जाता है, और वो उन टाइटेंस को मारने में कामयाब भी हो जाता है, और एक टाइटेंस से फाइट करते हुए
हुए उसका एक पांव वो टाइटेन खा जाता है और दूसरी तरफ एक टाइटेन एरिन के फ्रेंड को पकड़ लेता है। सब लोग एरिन के फ्रेंड को बचाने में लग जाते हैं ताकि वो उसके फ्रेंड को निगल ना जाए। और दूसरी तरफ एरिन अब पूरी तरीके से अपनी हिम्मत हार चुका था, पर लेकिन वो हिम्मत ना हारते हुए वो उठता है और ठीक एंड वक्त पर वो अपने दोस्त को उस टाइटेन का खाना बनने से बचा लेता है। लेकिन उसे बचाते हुए वो अपना एक हाथ भी खो बैठता है और वो टाइटेन भी उस एरिन को निगल लेता है। और अब एरिन देखता है कि वो उस टाइटेन के पेट में आ गया है और अब वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होने लग रहा है। और ये सब देखकर अब मिकासा अपने आप से बाहर हो गई थी और अब वो टाइटेन को मारने के लिए जाती है, लेकिन अब उनका किस्मत साथ नहीं दे रही थी। तभी मिकासा क्रैश हो जाती है क्योंकि उसका गियर अब खराब हो चुका था और अब उसे अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी क्योंकि वो टाइटेन एरिन को खाने के बाद अब वो उसी की तरफ आ रहा था। लेकिन अचानक से उस टाइटेन को अपने पेट में कुछ अजीब सा फील होता है और उसके पेट को फाड़कर एक बहुत बड़ा टाइटेन उसके मुंह से बाहर आ जाता है और एक एक्सप्लोजन से काफी बड़ा जायंट उसमें से पैदा होता है और ये और कोई नहीं एरिन ही होता है। तो यहीं पर ये पहला पार्ट खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।